हेलो फ्रेंड्स, UDCR में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश कोर्ट ओट्स कप जो इनका चल रहा है उसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ग्लैमॉर्गन वर्सेस मिडिलसेक्स के बीच में होने वाले अगले मैच की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि मैं वॉर वर्सेस योर, सुर वर्सेस ग्लो, दूर वर्सेस डेर, हैम वर्सेस एस, ली वर्सेस नॉट, नोर वर्सेस लैन, इन सभी मैचेस की टीम्स मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप मेरे यूट्यूब चैनल UDCRA पर देख सकते हैं। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज़ यू, दैट इज़ डी, दैट इज़ CRA विदाउट स्पेस। आपको ये चैनल इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी नीचे लिखा आ रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं UDCRA। इस चैनल पे मैंने सभी मैचेस की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप देख सकते हैं इजीली। और अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ग्लावर्सिस मिड की टीम, जिसके मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा और ड्रीम इलेवन की सेफ टीम भी मैं आपको दूंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम नोट्स की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने सभी की सभी टीमें आपको दे दी हैं, आपको इजीली यहां से पता लग जाएगा कि मैंने अपलोड कर दी हैं। तो ग्लै वर्सेस मिड की बात करते हैं, जिसका नाम ड्रीम इलेवन में ऐसे ही लिखा आ रहा है, ग्लैमॉर्गन मिडिलसेक्स मैच है। साउथ ग्रुप का ये मैच होगा फ्रेंड्स। ग्लै वर्सेस मिड की अगर प्रोबेबल इलेवन देखी है, सबसे टीडियस टास्क है तैयार करना, मैंने वो किया है। ग्लैमॉर्गन की बात करते हैं, विकेट कीपर इनके क्रिस कुक रहेंगे, जबकि बैट्समैन देखा जाए तो ऑलराउंडर इनग्राम, ये ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे, मार्श है, फिर सेलमन है और मुर्फी हैं। ऑलराउंडर्स इनके ग्रेम वाग हैं, लॉयड है, मर्चेंट डिलेंगे हैं। अगर बॉलर्स की बात की जाए तो होगन है, वेंडर गुटन है, वाग हैं, स्मिथ कार्ले हैं। मिडिलसेक्स की बात की जाए तो जोहन सिम्पसन है, बैट्समैन यॉन मॉर्गन है, निक गोबिंस है, स्टीव एक्सन जाई हैं, पॉल स्टर्लिंग है। डाउट है हमें मैक्स होल्डन पर, आप इसे इग्नोर कर दीजिए। ऑलराउंडर हिल्टन कैटरवाइट है और जेम्स फ्रैंकलिंग हमारे वाइस कप्तान भी रहेंगे। बॉलर्स की बात की जाए तो स्टीवन फिन है, टॉम हेलम है, रवि पटेल है, नेथन शॉर्टर है। डाउट हमें यहाँ टॉम बार्बर और जेम्स हैरिस पर है, इन्हें आप इग्नोर कर दीजिए। की प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो मार्श एंड लॉयड एंड स्किपर इनग्राम मेड अ गुड कंट्रीब्यूशंस विद द बैट इन ग्लैमॉर्गन्स फर्स्ट गेम इन द टूर्नामेंट। कार्ले एंड वॉग दोनों ने दो दो विकेट्स लिए थे, वर द पिक ऑफ द बॉलर्स इन अ हाई स्कोरिंग गेम अगेंस्ट समरसेट। जबकि अगर मिडिलसेक्स की बात की जाए तो पॉल स्टर्लिंग एंड इयॉन मॉर्गन दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 17 रन विन ओवर समरसेट। हेलम क्लेम्ड 4 विकेट्स फॉर जस्ट 49 रन इन मिडिलसेक्स 17 रन विन इन द लास्ट मैच। तो आप देख सकते हैं इन प्लेयर्स का आपको लेना ही लेना है, इनमें से मॉर्गन को आप छोड़ सकते हैं, बाकी सभी को आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ड्रीम इलेवन की टीम देखने, जो मैंने आपके लिए स्पेशल तैयार की है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं ऊपर ले सभी मैचेस की वीडियोस जो इंग्लिश शॉर्ट्स कप के सारे मैचेस की वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं उन्हें वन बाय वन। अभी हम बात करते हैं ग्लै वर्सेस पिट, ग्लैमॉर्गन वर्सेस मिडिलसेक्स की टीम की। कीपर हमारे लिए क्रिस क्रुक बेस्ट रहेंगे। मॉर्गन को आप एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली एडजस्ट आप कर सकते हैं इन्हें। निक गुबिंस की जगह हम इन्हें ले सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। क्रेडिट हमारे पास बहुत पड़े हैं, मॉर्गन को ले सकते हैं, शॉन मार्श को मैंने लिया, पॉल स्टर्निंग को लिया मैंने, और फिर नीचे मैंने स्टेफन को लिया जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। आप अगर चाहे तो 0.5 है आपके पास, आप स्टेफन की जगह कोई भी एक प्लेयर डेविड लॉयड को आप ले सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आ रही है, लेकिन ये मिड के प्लेयर हैं, उन्हें निकाल के हम ग्लै के लेंगे। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं बैलेंस बिगड़ ना जाए तो हम वहीं पे इन्हें रखेंगे, हो सकता है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनग्राम है, वैग है और फ्रैंकलिन है। आप अगर चाहे तो यहाँ पर कॉटराइट को आप ले सकते हैं। बॉलिंग में देखा जाए तो मर्चेंट डिलेंगे का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है तो हम इन्हें इन्हें लिया है। माइकल हॉर्डन का शोर नहीं है, वेंटर गुडन का शोर नहीं है, स्पिन को आप ले सकते हैं, स्लेटर को आप ले सकते हैं, स्लेटर की बॉलिंग अच्छी आ रही है। रवि पटेल का फ्रेंड्स आप ले सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, एक चेंज मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे निकाल के आप यहाँ पर माइक एंड्रूस पाइक रवि पटेल को आप ले सकते हैं, मिड की प्लेयर होंगे ये आपके। तो फ्रेंड्स
उसके बाद टॉम हेलम को लेना है और लुकस कैरे को लेना है और नेथन शॉर्टर को आपको लेना है फ्रेंड्स। कप्तान इनग्राम एंड फ्रैंकलिन हमारे बेस्ट रहेंगे। आप यहाँ पर मार्श और मॉर्गन के साथ या फिर स्टर्लिंग के साथ भी जा सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी फ्रेंड्स अच्छी आ रही है। एक बार मेरी टीम का मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, आप अच्छे से प्रीव्यू देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी टीम सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं सजेशंस भी देना, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।